चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा मसाला। ये बहुत टेस्टी बनता है और झटपट से बन के तैयार हो जाता है। इसको खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसको रोटी से, पराठे से, जिससे भी खाइए बहुत अच्छा लगता है। आइए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें हमने 4 टेबल स्पून हमने ऑयल को, इसमें सरसों ऑयल है, इसमें डाल देना है। ये देखिए ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें हम 4 हमने छोटी प्याज को 4 हमने बारीक काट लिया है, इसको हम इसमें डाल देते हैं। प्याज को हमने लाइट गोल्डन कलर में इसको हमने फ्राई कर लेना है। ये देखिए प्याज लाइट गोल्डन हो गई है। अब इसी स्टेप में हम 2 हमने टमाटर को बारीक काट लिया है, इसमें इसमें डाल देना है। और इसको हमने प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करके इसको गलाना है। और इसमें हमने 1 टीस्पून नमक को ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें। अब इसको हमने ढक के 1 मिनट के लिए पकाना है, टमाटर हमारा थोड़ा गल जाए। ये देखिए 1 मिनट हो गए हैं। ये देखिए टमाटर इसमें अच्छे से गल गया है। हमने 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसको हमने डालना है इसमें। 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, इसमें डाल देना है इसको। 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, इसको भी इसमें डाल देना है। 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला। इन सब मसालों को अच्छे से हमने इसमें मिक्स करके अच्छे से इसको भून लेना है। 3 हरी मिर्च हमने बारीक काट ली है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसको भी हमने मिक्स करके अच्छे से हमने मसाले को भून लेना है। ये देखिए सब मसाले अच्छे से भून गए हैं। सौंधी सी खुशबू आ रही है और इसमें तेल भी मसाले में देखिए छोड़ दिया है। अब इसमें हमने 1/2 प्याले हमने पानी इसमें डालना है। इसको हमने अच्छे से मिला देना है। ये देखिए हमने 4 अंडे लिए हैं और इसको हम एक एक फोड़ के हम उसमें डालेंगे। मसाले में हमने अंडे को ऊपर से ऐसे डाल देना है। ये देखिए अब हमने दूसरा अंडा इसमें इधर साइड में डाल देना है। तीसरा वाला भी इसमें हमने ऐसे डाल देना है। फिर ये हमने चौथा अंडा, इसको भी हमने इसमें डाल देना है पैन में मसाले के ऊपर। अब इसके ऊपर हमने काली मिर्च का पाउडर लिया, इसको हमने इस पे छिड़क देना है अंडे के ऊपर। अब इसको हम ढक के 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए अब इसको हमने पैन में इसको हमने पलट लेना है थोड़ा थोड़ा करके। झटपट से तैयार हो जाता है बनके और बहुत टेस्टी बनता है और सभी को पसंद आता है। मसाला अंडा बहुत अच्छा बनता है। अब इधर भी हमको 2 मिनट ढक के पकाना है। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं अंडे को पकते हुए मसाले में और ये बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी बन गया है। ये बन के तैयार हो गया है। अब इस पे हम थोड़ा सा धनिया और इसको बहुत जल्दी ये रेडी हो जाता है बनके और इसको आप घर में बनाइए, बहुत सभी को पसंद आएगा। कुछ नहीं है बनाने के लिए, अंडा है घर में और आप झटपट से ये बना लीजिए और थोड़ा स्पाइसी भी और बहुत अच्छा बनता है ये। बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आएगा। और थोड़ा देर के लिए हम इसको ढक देते हैं फिर सर्व करते हैं। ये देखिए अंडा मसाला रेडी हो गया है, बहुत टेस्टी बनता है। अब इसको हम सर्व करते हैं।
देखिए अंडा मसाला बनके रेडी हो गया है। ये बहुत जल्दी और झटपट बनके तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी चटपटा लगता है। इसको रोटी से, पराठे से, आप जीरा राइस से भी खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।